नमस्कार। ये 10 छोटे छोटे काम आप रोज जरूर करना। ये काम छोटे जरूर है लेकिन ये काम आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा और आप कहोगे सर यार ये तो बिल्कुल छोटे से काम है यार, ये क्या है, इनको आप लाइटली मत लेना। है छोटे हैं लेकिन आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग और बुद्धिमान लोगों की आपने जीवनी पढ़ी होगी, फिर बाद में पढ़ते और देखते हो अरे यार ये छोटे काम भी वो करते थे, हमें तो पता ही नहीं। फिर आपके तो ये तो बिल्कुल छोटे हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग इनको क्यों करते हैं रोज, उनको पता है अगर इन चीजों में हमने कंसिस्टेंसी रखी ना तो यही बातें, छोटी छोटी बातें हमारी सफलता का आधार बनती हैं। और वो छोटे छोटे कदम क्या है ये देखिए, जो सारे सफल लोग करते हैं, जो सारे बुद्धिमान लोग करते हैं। सबसे पहले नंबर वन, सुबह जल्दी उठिए। आप सबको पता है कि जल्दी उठने के क्या फायदे हैं, लेकिन क्या है, आज नहीं यार कल उठेंगे यार, धीरे धीरे करके उठेंगे यार। फायदे सबको पता है लेकिन कोई उठता नहीं है, तो उठिए ना, छोटी सी बात है लेकिन आप 15 दिन 20 दिन उठ के देखिए आपके शरीर में कैसा चेंज आएगा। सेकंड, रोज योग करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। हे बात छोटी सी है, 20-25 मिनट करिए। आपको पता है अरे यार इससे फायदा तो होता है यार, शरीर एकदम फ्रेश रहता है, चुस्ती रहती है, फुर्ती रहती है, फायदा पता है। लेकिन कहते क्या यार टाइम नहीं मिलता यार, ऑफिस से घर का काम, बच्चों का काम, सब कुछ करके टाइम नहीं मिलता। इसी टाइम के चक्कर में आप अपनी हेल्थ बर्बाद करते जाते हो और फिर तरह तरह के विटामिन लेते हो अपने शरीर की पूर्ति के लिए। तो ऐसा क्यों करते हो, पहले ही योग करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्दी नाश्ता करिए। पता है कि अच्छी चीज है, बहुत से लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी काम करते हैं, सुबह सुबह नाश्ता करते नहीं, ऑफिस चले जाते हैं, फिर 12-1 बजे खाना खाते हैं। सुबह के आप निकल गए कुछ खाए नहीं, 12-1 बजे खाना खा रहे हो तो आपके शरीर का तो 12 बजा रहे हो आप। फिर क्या कुछ खा काप करोगे, कुछ नहीं होगा आपसे। थोड़ा समय तो अपने शरीर के लिए निकालिए ना। ठीक है आपकी जॉब महत्वपूर्ण है, ठीक है आपका घर का काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन शरीर पर भी ध्यान देना, वरना इन सब के चक्कर में आप अपना शरीर बर्बाद कर लोगे, ऐसा मत कर लेना। फोर्थ, टू डू लिस्ट बनाओ। बहुत से लोग टू डू लिस्ट बनाते नहीं है, फिर जल्दी जल्दी में काम करते हैं, फिर कहते अरे यार ये काम तो रह गया यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था यार, ये मुझे करना था यार, सब 12 बज जाते। टू डू लिस्ट बनी हुई होती है ना तो आपको पता है मुझे ये काम करने, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करने, कौन सा काम किस वक्त करना है, कौन सा काम कब करना है, सब कुछ आपको पता रहता है। सफल लोग यही करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आज मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले क्या करना है। तो आप भी बनाइए ना, आपका हर काम सिस्टमेटिक होता जाएगा। और रोज सीखते रहिए, किसी भी दिन ऐसा मत जाने देना कि सीखने नहीं लगो आप, ऐसा मत जाने। ध्यान रखना जितना आप सीखोगे ना, जितना आप नॉलेज अर्न करते जाओगे ना, तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप लोगों के सामने तुरंत जवाब दे पाओगे और लोगों से अच्छी तरह से बात कर पाओगे। पता है जिसके पास नॉलेज होता है ना उसके पास कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होता है। तो रोज सीखते रहना, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको तरह तरह का नॉलेज भी इकट्ठा होगा। खुद के बारे में कभी बुरा मत सोचना और बुरा मत कहना। बहुत से लोग क्या करते हैं अपने लिए, मेरी किस्मत खराब है यार, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, अपनी परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, अरे यार ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। कभी भी एक भी सिंगल वर्ड नेगेटिव अपने लिए मत कहना। जितना आप नेगेटिव अपने लिए सोचोगे ना, आपकी लाइफ आपके लिए उतनी ही नेगेटिव होती जाएगी। तो कभी भी खुद के लिए नेगेटिव मत कहना। और अच्छा बोलना ध्यान रखना, जितना आप अच्छा बोलोगे ना आपका अच्छा सर्कल बनेगा, लोग आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे और हर जगह आपकी तारीफ होगी। ध्यान रखना बोलना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप तू तड़ाक से और हर किसी भाषा से बोलोगे ना, हर कोई आपसे जुड़ने की कोशिश नहीं करेगा, हर कोई आपसे दूर रहने की कोशिश करेगा। तो अच्छा बोलना और रोज कोशिश करना कि अपनी बुरी आदतें धीरे धीरे छोड़ दो। ध्यान रख लेना हर इंसान में बुरी आदतें होती है। आप क्या सोचते हो सफल लोगों में बुरी आदतें नहीं होती है?
बुद्धिमान लोगों में बुरी आदतें नहीं होती है, उनमें भी बुरी आदतें होती है, लेकिन वो क्या करते, धीरे 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 उनको छोड़ते रहते हैं। बुरी आदतें एकदम नहीं छूटती, धीरे धीरे ही आपसे छूटेगी। तो ध्यान रखना, बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करना, रोज अपने लक्ष्य का पीछा जरूर करना। ध्यान रखना, किसी भी दिन ऐसा ना गुजरे कि आप अपने लक्ष्य के लिए काम नहीं किया। यह कंसिस्टेंसी कभी मत तोड़ना। रोज एक लक्ष्य होना चाहिए कि रोज मेरा लक्ष्य मुझे पाना है। एक जुनून होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, एक उम्मीद होना चाहिए। सफल लोग और बुद्धिमान लोग यही करते हैं, रोज अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं। किसी भी दिन एक दिन भी उनके दिमाग में ऐसा नहीं आता है कि मेरा लक्ष्य मुझसे दूर जा रहा है, ऐसा कभी नहीं सोचते। वो रोज अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं। एंड लास्ट, रोज अपने काम की एनालिसिस करना। दिन भर मैंने क्या काम किया, उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या बेनिफिट रहा, क्या मुझे फायदा रहा, सारा एनालिसिस आपको होना चाहिए। वरना दिन रात काम कर रहे हो और पता ही नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, फिर क्या मतलब। सफल लोग ऐसा कभी नहीं करते। सफल लोग और बुद्धिमान लोग अपने पूरे दिन का एनालिसिस करते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, और दूसरे दिन वापस जो नुकसान हुआ ना उसकी भरपाई करते हैं। तो ये छोटे छोटे लक्ष्य रोज आप तय करना, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा ये।